नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे भारत की मुख्य फसल धान के बारे में चर्चा करेंगे। खासतौर पर नर्सरी में तैयार होने वाली धान के पौध में क्या समस्याएं आती हैं और क्या सावधानियां रखनी होती हैं। ध्यान न रखने पर जब नर्सरी से धान की पौध खेत में रोपित की जाती है तब फसल खराब हो सकती है और उपज में भारी कमी आ सकती है, जिसका बड़ा कारण खरपतवार है। पहले देखते हैं धान की नर्सरी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यतः दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनुचित पोषण एवं खरपतवार का खतरा। और अगर नर्सरी के स्तर पर ही खरपतवार नियंत्रण न किया जाए तो कई सारे नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे पौधों का कमजोर होना, सूरज से मिलने वाली रोशनी, पानी की नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी के अन्य पोषक तत्व धान की पौध से खरपतवार छीन लेते हैं, जिसके कारण से नर्सरी में ही धान की पौध कमजोर हो जाती है। पौधों का मर जाना। खरपतवार धान की नर्सरी में अनेक कीट और बीमारियों के पनपने की वजह हो सकती हैं, जिससे पौधे बीमार या कमजोर होकर मर जाते हैं। पौधों की आगे चलकर ग्रोथ न होना। कमजोर पौध की वजह से जब मुख्य खेत में उनकी रोपाई होती है तो धान की फसल की अच्छी उपज मुमकिन नहीं होती। ध्यान रखें, खरपतवार नर्सरी के पौधों में मुख्य फसल से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। धान की नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत कठिन चुनौती है। आइए जानें कैसे। प्रारंभिक अवस्था में तो खरपतवार और धान के पौधों के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल है। धान की पौध बहुत संवेदनशील अवस्था होती है, अतः उपयोग की जाने वाली खरपतवार नाशक बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के सहजता और सुरक्षित तरीके से असरदार होनी चाहिए। खरपतवार हाथ से निकालना या निराई करना बहुत मुश्किल और महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि मजदूरी काफी महंगी पड़ती है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पेश है जापानी तकनीक पर आधारित PI इंडस्ट्रीज का एक अनोखा उत्पाद, नॉमिनी गोल्ड, जो करे खरपतवार पर प्रभावशाली और असरदार नियंत्रण। इसलिए इसको धान का नंबर वन खरपतवार नाशक भी कहते हैं। 14 साल से ये किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। नॉमिनी गोल्ड खरपतवारों से निपटने का आसान और प्रभावशाली तरीका है। वैसे तो बाजार में अन्य कई सारे खरपतवार नाशक भी मौजूद हैं, लेकिन ये उत्पाद नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण के लिए कारगर साबित नहीं है और इनके इस्तेमाल से धान के पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए धान की नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण के लिए नॉमिनी गोल्ड एकदम सही और सटीक है। नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल। नॉमिनी गोल्ड को पौधशाला अवस्था में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धान के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। नॉमिनी गोल्ड धान की नर्सरी के सभी प्रमुख खरपतवारों को नियंत्रित करता है, जैसे घास, मोथा और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। शारीरिक श्रम की तुलना में कम लागत में समाधान प्रदान करता है, क्योंकि खरपतवार निकालने के लिए श्रम की बचत होती है। नॉमिनी गोल्ड के इस्तेमाल के लिए सिफारिश की गई मात्रा 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 10 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर नैपसेक स्प्रेयर में प्रति 1/10 एकड़ के लिए। नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल तब करें जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती की अवस्था में होने चाहिए या नर्सरी की बुआई के 15 से 20 दिन के बाद। नॉमिनी गोल्ड को केवल स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करें, बिखेरें नहीं। सही समय और सही मात्रा का चयन करें। स्टॉक तैयार करने के लिए नॉमिनी गोल्ड बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं, जिससे मिले खरपतवार पर असरदार और अच्छा नियंत्रण। नॉमिनी गोल्ड के इस्तेमाल के समय ध्यान रखें कि एक समान स्प्रे के लिए फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें। खरपतवार के पूर्ण उपयोगी और असरदार होने के लिए नॉमिनी गोल्ड के छिड़काव से पहले खेत से पानी निकाल दें। स्प्रे के 2 से 3 दिनों के बाद 7 दिनों तक उपयुक्त जल का स्तर बनाए रखें। किसान भाइयों, जैसे कुछ काम सही समय पर किए जाएं तभी कारगर होते हैं, उसी तरह नॉमिनी गोल्ड का सही समय पर इस्तेमाल आपको अनेक फायदे देगा। पूरी तरह से स्वस्थ पौध। धान की नर्सरी के सभी प्रमुख खरपतवारों के लिए एकल समाधान, घास, मौथा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। हाथों से होने वाली व्यर्थ की मेहनत से बचाओ। ये शुरुआती तैयारी से आपको मिलेगा एक स्वस्थ और कीट रोग मुक्त पौध, जो आपके खेत में पहुंचकर अच्छी उपज, गुणवत्ता और मात्रा देती है। जोखिम ना लें, केवल सर्वश्रेष्ठ पर भरोसा करें। नॉमिनी गोल्ड।